यहाँ इंचार्ज कौन है? मैं हूँ साहब। रात यहाँ ड्यूटी पर कौन था? मैं था। सुना इधर कोई एक्सीडेंट हुआ है रात को? मेरे सामने हुआ, बोट इस चट्टान से टकरा के डूब गई। कोई आदमी बचा? किसी की लाश? नहीं साहब। ओ मिस्टर सिंह की आंटी के लिए मैसेज है, कहाँ है वो? आपके लिए मैसेज है मैडम, मुझे अफसोस है, मिस्टर सिंह की बोट चट्टान से टकराकर डूब गई। डूब गई? और मेरा सुंदर? I'm sorry. मैं नहीं मान सकती, ये सब झूठ है। मेरा सुंदर नहीं मर सकता, मेरा सुंदर नहीं मर सकता। This is 44219 speaking. मैंने एक ट्रंक कॉल बुक किया था, क्या हुआ? अच्छा, जरा जल्दी कीजिए प्लीज। वो नहीं मरा, मैं जीते जी मर गया। शादी को अब दिन ही कितने रह गए थे। मेरी बच्ची, हेलो, मैं मोहनलाल बोल रहा हूं। जी जी हाँ, अभी अभी आपका टेलीग्राम मिला। ये हुआ कैसे? मैं भी नहीं जानती सेठ जी, वो तो हंसता खेलता घर से गया था। मेरा सब कुछ डूब गया, सब कुछ डूब गया सेठ जी। सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, पर रात घर पर आई भी नहीं और मेरी बच्ची के सुहाग के फूल मुरझा गए। जी जी नहीं, उस गरीब ने तो अभी अपनी बर्बादी की खबर भी नहीं सुनी, क्या कहूंगा उसे। जी आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। प्रोग्राम ही बना रही थी। अच्छा? अपनी पूरी डांसिंग पार्टी साथ चलेगी, क्या ख्याल है? अरे तब तो बड़ा मजा आएगा। मगर डार्लिंग, तुमको डिस्टर्ब बहुत होगा। डिस्टर्ब एक सजेशन दूं? हाँ, तू भी शादी करके चलना, फिर कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। चल चल,
मैं तेरी तरह थोड़ी शादी करूंगी। फिर ना देखा ना भला, डैडी ने कह दिया बस। ये तो अपने हस्बैंड को अच्छी तरह देखेगी, भालेगी, लव करेगी, कोर्टशिप करेगी, फिर शादी करेगी। बीबी जी आपको साहब बुला रहे। डैडी जी चूज मी गर्ल्स, मैं यू आई। अच्छा शीला अब हम भी चलते हैं, अपने कार की चाबी दे दो, शाम में फिर रिहर्सल के लिए आ जाएंगे। ओके। अरे सुनते थैंक यू। ओके बाय बाय, गुड इवनिंग। तू नहीं जाएगी क्या? सॉरी। ओके दिया बाय। डैडी फिर से दौरा पड़ गया। मैंने कितनी बार कहा अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, इतना स्ट्रेन मत लीजिए, फिर भी आप सुनते ही नहीं। लीजिए दवाई ले लीजिए। दवाओं से जिंदगी का नुकसान पूरा नहीं होता बेटी। आप ऐसी बातें क्यों सोचा करते हैं डैडी? जिंदगी में आदमी को होपफुल रहना चाहिए। चलिए आराम कीजिए। जी आपको आराम की जरूरत है डैडी, आपको आराम की जरूरत है। भाई भावज के मरने के बाद वो भतीजे को अपने घर में ले आई और न जाने किन किन अरमानों से उसे पाल पोस कर जवान किया। वो चाहती थी कि उसकी शादी तुम्हारे साथ कर दे और तुम दोनों की खुशी में अपने गम को भूल जाए। डैडी डैडी इस तरह गुजरी हुई बातों को याद न कीजिए, अपना ख्याल कीजिए, मेरा ख्याल कीजिए डैडी। बेटी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं उस अकेली औरत को तुम दुनिया में तनहा न छोड़ देना। अब उसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं, वो तुम्हारी मां के बराबर है। मुझे वचन दो, वो वचन दो कि तुम जिंदगी भर उसकी देखभाल करोगी। मैं वचन देती हूँ डैडी, मैं वचन देती हूँ, मैं हमेशा।
शीला, कोई मरने वाले के साथ मर तो नहीं जाता, कब तक शोक मनाती रहोगी? आंसू कोई अपने बस में तो नहीं, लेकिन कब तक रोती रहोगी? देखो तो एक महीने में तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अब इस घर की देखभाल, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हीं पर है, इस तरह कब तक मातम करती रहोगी? बीबी जी, आपसे कोई मिलने के लिए आए हैं। कौन जी? मैं हूँ बेटी। मैं तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, आशीर्वाद देने के लिए आना चाहती थी, लेकिन लेकिन मरने वालों का पुरसा देने के लिए आना पड़ा। आंटी, आंटी, मेरे डैडी भी। रो मत, रो मत बेटी, मैं तेरा दुख समझती हूँ। जन्म देने वाला न रहा, जन्म का साथी बनने वाला भी डरा। मौत ने दोनों घर उजाड़ दिए, तू भी इस दुनिया में अकेली रह गई मेरी तरह। ऐसी हंसने वाली लड़की देखिए ना, रो रो के क्या हालत बना रखी है। किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती, देखो ना मेरा सुंदर भी इसे कितना चाहता था। आखिरी दिन फिर से जाते समय भी इसका ही नाम ले रहा था। बस कीजिए, शीला, मैं वहां इतने बड़े घर में अकेली रोती रही, कोई नहीं था जो कहता कि बस कीजिए। यहां तुम भी अकेली हो, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं, क्यों नहीं तुम मेरे साथ चलती? कम से कम हम एक दूसरे को तसल्ली तो दे सकेंगे। इस घर को छोड़ के मैं कैसे चलूं आंटी? जैसे बचपन में चली थी, उस वक्त तुम्हें माँ की गोदी चाहिए थी, और आज मुझे एक बेटी का सहारा चाहिए। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में अब मेरा कौन है? लेकिन आंटी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करती शीला। यहाँ आते वक्त भी मैं ही सोच रही थी, उस वक्त तुम बच्ची थी, गोद में उठा कर ले गई थी, लेकिन अब तुम जवान हो, अपनी मर्जी की मालिक हो। पता नहीं अब तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे या नहीं। ऐसा ना कहिए आंटी, आप मेरी माँ के बराबर हैं, डैडी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन इस घर में ऐसा लगता है डैडी की आंखें मुझे देख रही हैं, उनका प्यार मुझे सहारा दिए हुए हैं। सुना है अगर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मैं नहीं जानती भाई साहब ने तुम्हें क्या कहा था, लेकिन इतना जानती हूँ अगर वो जिंदा होते तो तुम्हें जरूर मेरे साथ भेज देते। मेरी नहीं तो अपने पिताजी की तमन्ना पूरी कर दो, कम से कम उनकी आत्मा को शांति तो मिल जाएगी। आंटी, आंटी, डैडी के गुजरने के बाद कुछ लीगल बातों का फैसला करना बहुत जरूरी है। उनका फैसला हो जाए फिर मैं आप ही के साथ चलूंगी। चलिए आराम कीजिए। अरे देखा, तुम्हें कितने जल्दी पहचान लिया। किसका कुत्ता है? सुंदर का। माइकल,
तमन्ना पूरी नहीं हुई। आशा थी कि शहनाई की आवाज में इस घर में दुल्हन उतरेगी, फूल खिले होंगे, मेहमान बधाई देंगे, मगर मगर शहनाई बजने से पहले ही इस घर में सन्नाटा छा गया। आंटी, बड़ी तमन्नाओं के साथ इसे पाला था, इसके साथ साथ मेरी आशाएं परवान चढ़ रही थी। तुम पैदा हुई, मैंने सोचा तुम्हें दुल्हन बनाकर इस घर में ले आऊंगी। तुम्हारी माताजी के मरने के बाद इसी अरमान के साथ मैंने तुम्हें कलेजे से लगाए रखा, मगर मेरा सब कुछ लूट गया। अब जो कुछ हो तुम हो, ये सब कुछ तुम्हारा है, ये तुम मुझसे लूट गए, मगर तुम मुझे धोखा न देना। ऐसा ना कहिए आंटी। तुम सोचती होगी आंटी को क्या हो गया, मैं इसके गम में दीवानी हो गई हूँ। देखो ना, तुम अभी अभी इस घर में आई हो और मैं अपना दुख तुम्हें सुनाने लगी। आप मेरे साथ और ये है तुम्हारा कमरा। ओ आंटी, ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत मकान है। हाँ बेटी, ऐसे तो सब ठीक है, लेकिन ये जो मिल की लाइट है रात भर घूमती रहती है और इसकी रोशनी में काफी डिस्टर्ब पड़ती होगी। हाँ शीला, अब तुम आराम करो, सफर से काफी थकावट हो गई होगी। ओके आंटी। और आने वाला है आंटी? हाँ बेटी, पता नहीं सुंदर कब आ जाए, वो हमेशा मेरे साथ खाता था। अगर उसने किसी वक्त भी आके कहा कि मैं भूखा हूं तो मैं क्या करूंगी? शीला, मेरा दिल नहीं मानता कि वो मर गया है। ऐसा लगता है कि वो कभी ना कभी जरूर आएगा, इसलिए मैं प्लेट हमेशा उसके लिए लगा के रखती हूँ। कुछ नहीं आंटी, खाओ ना। सुनो, अगर तुम इस प्लेट की वजह से नहीं खा रही हो तो मैं इसे उठवाई देती हूँ। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, यूं ही खाने को तबीयत नहीं कर रही है। माइकल, खाना उठा।
अकेला हूँ मैं हम सफर ढूंढता हूँ मोहब्बत की मैं रह गुजर ढूंढता हूँ अकेला हूँ मैं हम सफर ढूंढता हूँ मोहब्बत की मैं रह गुजर ढूंढता हूँ किसी को मैं शाम सहर ढूंढता हूँ अकेला हूँ मैं हम सफर ढूंढता हूँ मोहब्बत की मैं रह गुजर ढूंढता ये महकी हुई रात कितनी हंसी है ये महकी हुई रात कितनी हंसी है मगर मेरे पहलू में कोई नहीं है मगर मेरे पहलू में कोई नहीं है मोहब्बत भरी एक नजर ढूंढता हूँ अकेला हूँ मैं हम सफर ढूंढता हूँ मोहब्बत की मैं रह गुजर ढूंढता हूँ मेरे दिल सकी मेरी आहें मैं आहूं मैं अपनी असर ढूंढता हूँ अकेला मैं हम सफर ढूंढता हूँ मोहब्बत की मैं रह गुजर ढूंढता हूँ किसी को मैं शाम सहर ढूंढता हूँ अकेला मैं हम सफर ढूंढता हूँ मोहब्बत की मैं रह गुजर ढूंढता हूँ
शक में क्या कर रही थी? मैं आपके शक में ये बॉल ढूंढने गई थी। बॉल? देखिए, ये फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, मैं यहाँ रहता हूँ। जी हाँ, मैं सोच रही थी कि आपके शक में कोई होगा, मगर सॉरी, मुझे अफसोस है कि उस वक्त मैं वहाँ नहीं था। मुझसे पहले मेरी तस्वीर आपके शक में कैसे पहुंच गई? जी, मैंने बनाई है। आपने? आपने कहां देखा मुझे? देखने की क्या जरूरत है? आप मशहूर डांसर हैं, आपकी तस्वीर अखबारों में छपती रहती है। तो आप अखबार देखकर तस्वीर बनाते हैं? जी हाँ, ये मेरा शौक है, पेशा नहीं। तो आपका पेशा क्या है? मछली पकड़ना? जी नहीं, तेल बेचना। ओ, जी? जी हाँ, अल्मेडा रोड पर मेरा पेट्रोल पंप है, लेकिन मुझे आर्ट से बड़ी दिलचस्पी है। मैंने आपकी तस्वीर इसलिए बनाई है कि आप जितनी मशहूर हैं उतनी खूबसूरत हैं। ओह, थैंक यू। मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं इतनी मशहूर हूँ। उसके नीचे क्या कर रहा था? काम चालू था बॉस। कोई आया तो नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, ऐसा कर, दो टीन पेट्रोल गाड़ी में रख दे, मुझे बाहर जाना है। अच्छा। इधर का ख्याल रखना। गार्डन में चले, ये तो कब्र जैसा मालूम होता है। क्या बात करता है डार्लिंग, ये तो रोमांस रूम है, कितना ब्यूटीफुल है। गाड़ी ऊपर आया कि दरवाजा बंद, कोई देख भी नहीं सकते। क्या देख नहीं सकता? अगर अंकल को पता चल जाएगा तो हमारा साथ तुम्हारा भी छुट्टी हो जाएगा। राइट, तुम्हारा अंकल का पिस्टन मार खाया हुआ है। नहीं बाबा, वो तो अच्छा आदमी है, लेकिन जब वो पी लेता है तब बहुत गड़बड़ करता है। घर का सारा बर्तन को रास्ते पे डांस करा देता है। इसीलिए तो हम भी डरता है डार्लिंग। एक बात पूछेगा? क्या? तुम्हारा अंकल शादी का क्यों नहीं बनाता है? उसको लड़की पसंद नहीं आता। उसको लड़की पसंद नहीं आता या लड़की को वो पसंद नहीं आता है? लेकिन डार्लिंग, हम एक लड़की देखा है। क्या? हमारे वास्ते नहीं, तुम्हारे अंकल के वास्ते। ये लड़की तुम्हारे अंकल को जरूर पसंद आएगा। अच्छा? बेचारा तीन शादी बनाया, पहला हस्बैंड 6 महीने में खलास, दूसरा 5 महीने में, तीसरा 4 महीने में, और तुम्हारा अंकल तो 3 महीने में जाएगा। अच्छा, तुम मेरा अंकल को मारने मांगता है? मगर डार्लिंग, वो भी तो ट्रैफिक रोक के रखा है, जब तक वो जाएगा नहीं हम लोग को लाइन क्लियर मिलेगा नहीं। हमको ऐसा लाइन क्लियर नहीं मांगता। मगर डार्लिंग, तुम बिगड़ता काय को है? अरे डार्लिंग, तुम्हारा हाथ कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल फूल का मफिक। ऐसा मत बोलो मैन, हमारे दिल में कुछ होता है। हमारा दिल में तो बहुत कुछ होता है डार्लिंग। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू। ओह डार्लिंग, आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू डार्लिंग। ओह।
क्या हुआ आंटी? नहीं आया, वो इस बोट में भी नहीं आया। सुबह से शाम तक न जाने कितनी कश्तियां यहाँ से आवाज देकर चली जाती हैं, और मैं हर कश्ती की आवाज पर तड़प कर समंदर के किनारे चली आती हूँ, लेकिन वो मेरे दिल की पुकार सुनकर मेरे पास नहीं आता। हाँ, यही समंदर उसे ले गया है, और यही समंदर मेरी अमानत वापस लौट आएगा। हाँ शीला। चलिए आंटी, देखिए ना यहाँ कितनी ठंडी हवा चल रही है, आपको ठंड लग जाएगी। आइए आइए। आज कभी नहीं मिटती, आत्मा कभी नहीं मरती, वो कब तक नहीं आएगा? एक न एक दिन तो उसे आना ही पड़ेगा, वो जरूर आएगा। सफर ढूंढता हूँ मोहब्बत की, मैं रह गुजर ढूंढता हूँ अकेला हूँ मैं हूँ। सफर ढूंढता हूँ मोहब्बत की, मैं रह गुजर ढूंढता हूँ किसी को मैं शाम शहर ढूंढता हूँ अकेला हूँ मैं हूँ। सफर सफर ढूंढता हूँ मोहब्बत की, मैं रह गुजर ढूंढता हूँ किसी को मैं शाम सहर ढूंढता हूँ अकेला हूँ मैं हम। सफर ढूंढता हूँ मोहब्बत की, मैं रह गुजर मुसीबत है, लोग रोमांस का भी चांस नहीं देता है। अजी बात नहीं है, ये कोई रोमांस करने का जगह है, यहाँ तो लोग आएगा ही। चलो किधर घूमने को चले, गाड़ी नीचे उतारो। नीचे उतारने के लिए थोड़ी ऊपर चलाया है। फिर इसलिए कि जब तक तुम ये नहीं बताएगा कि तुम हमसे शादी कब बनाएगा, गाड़ी नीचे नहीं जाएगा। ओफो, तुम्हारा खोपड़ी को सर्विस करना पड़ेगा।
अरे बाबा, जब तक तुम अंकल से बात नहीं करेगा तो शादी कैसा होगा? अंकल, ओ नो, हम उससे बहुत डरता है, वो तो हमारा होल बॉडी का सर्विसिंग कर डालेगा। नहीं बाबा, वो ऐसा नहीं है, प्रॉमिस करो तुम घर आएगा। प्रॉमिस जरूर आएगा, काय को नहीं आएगा। अभी अंकल हमको खलास करेगा ना, जब भी आएगा। क्या सर्विस करूं? पेट्रोल भर दो। पेट्रोल तो फुल है। पानी चेक करो। पानी भी फुल है। ओ, तुम्हारा मालिक कहाँ है? मालिक का पता पेट्रोल पानी से नहीं मिलने वाला है। शट अप। क्या हुआ? शट अप। क्या तुम लड़की लोग से ऐसा बात करता है? पर लड़की लोग भी हमसे कैसा बात करता है? लेकिन हम तुमको क्या बोला? तुम नहीं बोला, लेकिन तुम्हारा सिस्टर बोला। लड़की लोग का टेम्परेचर भी 80 डिग्री से ऊपर ही रहता है। तुम्हारा टेम्परेचर कौन सा ठीक है? दूसरे का गुस्सा हम पे निकालता। अरे मगर डार्लिंग, डार्लिंग सुनो तो सही। डार्लिंग ये देखो, हमारा टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया। शट अप। ओफो, आज दिन ही कुछ खराब है। आंखों पर ऐनक नहीं लगी है, यानी मैं बिल्कुल अकेला। ऐसे में तो सपने देखने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, रोज रोज आप लॉन्च पर कहाँ जाते हैं? समंदर में मछलियां पकड़ने। देखिए, आसपास बहुत अच्छी अच्छी मछलियां मिल जाएंगी, ज्यादा गहराई में ना उतरिएगा। हंसे क्यों? आप बहुत अच्छे बोलती हैं। यहाँ आपके साथ कौन है? जी अब तक तो अपने साथ मैं ही हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि आपकी देखभाल कौन करता है? भगवान। अच्छा, तो आप उसकी पूजा कीजिए, मैं चाय। आप ठहरेंगे नहीं? एक आध कप चाय। देखिए, तकल्लुफ न कीजिए, आप मेरे घर आ सकते हैं। लेकिन आप आए क्यों? चाय पीने के लिए नहीं। Thank you.
भी आंटी, पढ़ते पढ़ते जरा आग लग गई थी। माँ मुझे जरा देर हो गई। दुकान में एक दो जेवर मुझे अच्छे दिखाई दिए, मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिए। इन जेवरों की क्या जरूरत थी? आपने इतने रुपए क्यों खर्च किए? अरे रुपये कोई तुमसे बढ़कर है बेटी, सब कुछ तुम्हारा ही है। ये लो, तुम्हें पसंद आया ना ये भी? चलो खाना खाने, बहुत देर हो गई। आप चलिए, मैं अभी आई, जल्दी आना। क्या देख रही हो शीला? इन कश्तियों को देख रही हूँ आंटी। मैं भी यहाँ बैठकर इन कश्तियों को देखती रहती हूँ। न जाने हवा के सहारे किनारे किनारे कहाँ जा रही है। पानी गहरा हो या कम, इन्हें कोई परवाह नहीं। हाँ शीला, समंदर शांत होकर किसी कश्ती को सहारा देता है और अशांत होकर किसी की कश्ती डुबो देता है। मेरे सामने से कितनी ही कश्तियां बिना ठहरे आगे बढ़ जाती हैं, कहीं ना कहीं तो ठहर जाएंगी। मगर एक मेरा दिल है जो कभी नहीं ठहरता। जिंदगी इसी का नाम है आंटी, कभी शांत कभी अशांत। ये आप क्या बना रही हैं आंटी? क्या बनाऊंगी शीला, मकड़ी की तरह जाली बुनती हूं और सब टूट जाता है। हर साल उसके लिए एक नया स्वेटर बनाती थी, इस साल भी शुरू किया था मगर सारे धागे खोल दिए। आंटी उसका क्या भरोसा आए ना आए, सोचा उसके आने तक तुम्हारे लिए एक जंपर बना दूं, तुम्हें पहने देखकर वो बहुत खुश होगा। आंटी गुजरी हुई बातों को इस तरह से याद ना किया कीजिए आंटी। अच्छा तुम्हें कोई डिजाइन पसंद हो तो बताओ, मैं वैसे ही बना दूंगी। आज मैं कितनी खुश हूँ शीला, सच है दिल को दिल से राह होती है। जो उसे पसंद था अनजाने में तुम भी वही पसंद करती हो। आत्मा का संबंध कितना मजबूत होता है, ये कभी नहीं टूटता। वो जब भी मेरे पास आता था इसी कुर्सी पर बैठता था। अगर तुम्हें उसकी कुर्सी पसंद नहीं तो यहाँ बैठ जाओ। जानती हो कि मैं दीवानी हूं, दीवारों से बातें करती हूं, तस्वीर के आगे रोती हूं। न जाने अपने पागलपन में तुम्हें क्या क्या कह जाती हूं। मेरी बातों पर ध्यान न देना। किसको देख रही हो? ओह ये तो शंकर है, अपना किरायेदार, अच्छा लड़का है। इधर ही आ रहा है, शायद किराया देना आ रहा होगा।
जाओ तुम जाकर किराया ले लो। लीजिए किराए के पैसे। थैंक यू। और एक चीज आपके लिए भी लाया हूं। मेरे लिए? जी हाँ, आपकी तस्वीर। मेरी तस्वीर? मैं अपनी तस्वीर खुद क्या करूंगी? क्या मतलब? मतलब आप जाने, मुझे जो कहना था कह दिया। तो क्या आप मेरी तस्वीर चाहती हैं? जी नहीं, मुझे बेजान चीजों का शौक नहीं। देखिए, तन्हाई में कभी कभी बेजान चीजें भी बातें करने लगती हैं। मैं रात की तन्हाई में उठकर दीवारों से बातें नहीं करती। फिर ये तस्वीर आप अपने पास ही रखिए, किराए की रसीद मिल जाएगी। शुक्रिया, मैं चला। सुनिए, बहुत जल्दी है क्या? जी हाँ, टाइम कम है, मुझे जाना चाहिए। कहाँ? मछलियां पकड़ने। कम से कम चाय तो पीते जाइए। मैं चाय पीने के लिए नहीं आया था। चाहती हूँ कि आप मछलियाँ किस तरह पकड़ते हैं। देखिए, इसके लिए तो जरा गहरे पानी में चलना पड़ेगा। अच्छा, क्या थोड़े पानी में मछलियाँ नहीं मिलती? जी नहीं, जल्दी हाथ नहीं आते। स्पीड और बढ़ाइए। क्यों? आज ठुक जाने को जी चाहता है इन मचलती हुई धारों पर उड़ती चली जाओ। बहुत कहाँ? आसमां के किनारे, अपनी जन्नत में, जहाँ सिर्फ एक आदमी हो, एक औरत हो और कोई ना हो, जहाँ बहुत ज्यादा तन्हाई हो फिर भी तन्हाई ना हो। कहानियों की बातें ना करो, हम कितनी दूर क्यों ना चले जाएं, वापस तो किनारे की तरफ आना होगा। नहीं नहीं, मैं उस हवेली से आज बहुत दूर जाना चाहती हूँ। क्यों? मुझे हर घड़ी ऐसा लगता है कि वो हवेली मुझ पर गिर पड़ेगी, वहां मेरा दम घुटता है। अपने घर वापस क्यों नहीं चले जाते? पांव में जंजीर जो पड़ गई है, कैसे वापस जा सकती हूँ? जंजीर? तूफान आने का खतरा है, चलो कहीं किनारे चलते हैं। तूफान रुक गया, अब चलना चाहिए। आग बुझ गई। हाँ। आई एम सॉरी। कहीं भी? अब तुम कहीं नहीं जा सकती,
क्यों? पाँव में जंजीर जो पड़ गई है। क्या चलेंगे तो साथ चलेंगे, रुकेंगे तो साथ रुकेंगे। पड़े आए रुकने वाले, छोड़ दो मुझे।
चलो घर चलो शीला, बहुत देर हो गई। देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं। तो क्या हुआ आंटी? वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन वक्त बेवक्त पराए आदमी के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं। जवान आदमी से कब कोई भूल हो जाए कोई नहीं कह सकता। वैसे तो मेरे जीते जी तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं आई एम सॉरी आंटी, आई एम वेरी सॉरी। शीला वैसे ही जाग उठी थी। आज भी मेरा दिल कांप रहा है। बेटा, बेटा, ऐसी ही रात तू मुझसे जुदा हुआ था, ऐसा ही तूफान था, ऐसी ही अंधेरी रात थी जब मेरा सब कुछ डूबा था। मगर आज मेरा डूबा हुआ उभर जाएगा। आज का तूफान समंदर को उलट देगा। आज मेरी नाव किनारे लग जाएगी। आज बादल की गरज मेरे दिल की पुकार लग रही है। मेरी इस पुकार को सुन ले बेटा, तुझे मेरी सौगन। ऐसे ही तूफान में गया था, ऐसे ही तूफान में वापस चला चला बेटा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ दूर से देख लूंगी। आजा बेटा, आजा। तू आ गया, तू आ गया। आ गया है, वो आ गया है। मैं जिसकी राह देख रही थी, जिसका मुझे इंतजार था। ऐसी तूफानी रात में भला कौन आ सकता है? तुम्हारा जीवन साथी। जीवन साथी? हाँ, वो कब से नीचे दरवाजा खटखटा रहा है। वो बारिश में भीग रहा होगा बेटी। तुमने कभी उसका स्वागत नहीं किया, कभी उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। मगर वो तो मर चुका है आंटी। नहीं बेटी, आत्मा कभी नहीं मरती। आज मेरी आशा सफल हुई है। जाओ बेटी, उसे ले आओ। आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? एक बदनसीब को और कैसी बातें करनी चाहिए। आंटी आप कुछ भी कहिए, मैं वहां नहीं जा सकती। वैसे तो मैं खुद चली जाती, लेकिन मैं अपनी बदनसीबी से डरती हूँ। मैं जिस चराग को जलाना चाहती हूँ उसको मेरी तकदीर बुझा देती है। मेरी मदद करो बेटी, मैं अपने घर का दरवाजा तुम्हारे हाथ से खुलवाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे जिंदगी दे दो। आप क्या कर रही हैं? तो मेरे लिए चली जाओ। अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ। जाओ, मैं जाती हूँ। Thank you.
घर का दरवाजा खुला है फिर भी आने वाला नहीं आया। अब वो दिल की पुकार भी नहीं सुनता। एक बार तो सामने आकर बहू को देख लेता। न जाने हमसे क्या भूल हो गई है जो इतना बुलाने पर भी नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता? आपको देख के समझ गया कि गाड़ी सर्विस के लायक है। तुम्हारा तरह वाइजमैन होना मांगता है। चलो सर्विस करो। गाड़ी अंदर लाओ। ये तुम क्या करता है? गाड़ी नीचे उतारो। गाड़ी ऊपर भेजता है। क्या ऊपर भेजता है? हम तुमको वाइज मैन समझता था। हैं? तुम गाड़ी के साथ साथ हमको भी ऊपर ले जाता है। हैं? ये करो। यू फूल, पागल हो गया? अंकल को क्यों चढ़ाया ऊपर? हम तो अंकल ऊपर चले जाएगा, तुमको लाइन क्लियर मिलेगा। जल्दी उतारो, कम ऑन। अंकल नीचे उतरने का है। हाँ, नीचे उतरने का। ऐसा करो, हम दरवाजा खोलते हैं, तुम जम मारो। क्या पाँव तोड़ेगा क्या? हैं? इडियट, नॉनसेंस, गधा कहीं का। जल्दी करो। Hey man, आप तुम क्या करते हैं? गाड़ी नीचे उतारता है। जल्दी करो। इडियट कहीं का, कभी ऊपर ले जाता कभी नीचे ले आता। तुम्हारा मालिक किधर है? सबका मालिक तो एक ही है। ओह गॉड, तुम खड़ा खड़ा मुंह क्या देखता है? चलो गाड़ी में बैठो, हम इसको ठीक करेगा। मिजाजे गरामी दुआ है आपकी, मिजाजे गरामी दुआ है आपकी, बड़ी खूबसूरत अदा है आपकी, बड़ी खूबसूरत निगाह है आपकी, मिजाजे गरामी दुआ है आपकी, मिजाजे गरामी दुआ है आपकी। कुछ गुमसुम मैं आज कल रहता हूँ हर महफिल में, खोया खोया सा कुछ गुमसुम मैं आज कल रहता हूँ हर महफिल में, कोई दवा तो बतलाओ के दर्द रहता है जरा सा दिल। मर्जी
हवा है आपकी, करे क्या के आशिक, हवा है आपकी, मिजाजे गरामी। तो रात सुहानी कोई कैसे गुजारे, आए ना नींद मोहब्बत में तो रात सुहानी कोई कैसे गुजारे, सोता है चैन से समाना गुजारता हूँ मैं। बड़े खूबसूरत अदा है आपकी, बड़ी खूबसूरत निगाह है आपकी, मिजाजे गरामी। दुआ है आपकी, मिजाजे गरामी। ठंड लग जाएगी। अच्छा होगा, मैं बीमार हो जाऊंगी फिर मेरी नर्सिंग करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अरे अपनी तस्वीर को इतना घूर घूर के क्यों देख रही हो? मुझे अच्छी नहीं लगती, बेजान खामोश, बोल नहीं सकती, किसी से प्यार नहीं कर सकती। मुझे देखो, जिंदगी से भरपूर, जीती जागती, न जाने कितनी जागती आंखों का सपना बन सकती हूं। बताओ तुम किसको देखना चाहते हो? बहुत खूबसूरत हो तुम, ख्याल की तरह नाजुक, कविता की तरह सुंदर और रागिनी की तरह मधुर। एक ऐसी हकीकत जिसकी हजारों तस्वीरें बनाई जाए। ऐसे न देखो कि मैं नजरें न हटा सकूं। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ में खो जाओ, मुझे खो जाने दो। वो देख रही है। कौन? आंटी, न जाने उसकी आंखों में क्या है, मुझे डर लगता है। सुबह से शाम तक उसकी आंखें समुद्र की गहराई में कुछ टटोलती रहती है, कभी कभी तो वो मेरे दिल में भी डूब जाती है।
ऐसा लगता है मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं। सोचती हूँ मैं जिन ख्यालों में रंग भर रही हूँ कहीं वो अधूरे न रह जाए। ख्याल? कैसा ख्याल? तुम नहीं जानते शंकर, हमारी लड़कियों के सपने कितने शर्मीले, कितने अछूते होते हैं। शंकर, तुम उसे कभी जुदा ना होना। शंकर, तुम उसे कभी जुदा ना होना। शंकर, तुम उसे कभी जुदा ना होना। कभी जुदा ना होना। शीला, क्या बात है आंटी? तुमने फिर वही बिजली, फिर वही तूफान। जब ऐसी बिजली चमकती है, ऐसा तूफान उठता है, तो मुझे लगता है कि वो जरूर आएगा। ऐसा क्यों सोचती हैं आंटी? तुम मुझे पागल समझ रही होगी। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं शायद पागल हूँ, मगर मेरा दिल कहता है कि वो जरूर आएगा। आंटी, देखा, मैं कहती थी ना वो आएगा। सुना तुमने? वो दरवाजा खटखटा रहा है। सुना? ये सब आपका वहम है आंटी। दरवाजे पर तो हवा से भी आहट हो सकती है। तुम नहीं जानती बेटी, हवा इस तरह किसी के घर का दरवाजा नहीं खटखटाती। ये वही है, मैं उसे पहचानती हूँ। जाओ बेटी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटी। ओके आंटी, आप कहती हैं तो मैं जाती, मगर फिर भी कहती, ये सब आपका वहम है। नहीं बेटी, ये वहम नहीं है, ये वहम। उम्मीद भी आदमी को कैसे कैसे धोखे देती है।
क्या सोचने लगी हो शीला? इस पुरानी हवेली में ऐसी कौन सी नई बात हो गई जो अपने घर को अजनबी की तरह देखती हो? दोपहर हो गई फिर भी तुमने रात के कपड़े नहीं उतारे। देखो घर की दुल्हन को ऐसी उदासी शोभा नहीं देती। चलो उठो बेटी कपड़े बदल लो। यही तो दिन है तुम्हारे बनाव सिंगार के। कितने चाव और प्यार से तुम्हें इस घर में लाई थी मगर तुम्हें दुल्हन बनाकर नहीं देख सकी। आज मेरा अरमान पूरा हो गया। तुम्हारा सुहाग सदा हमारा है। इधर आओ। तेरी दुल्हन तेरे हवाले कर रही हूं। मैं अपना फर्ज पूरा कर चुकी। ये हमेशा से तुम्हारे जीवन का साथी है और हमेशा रहेगा। पति की सेवा ही औरत का जीवन है। इसकी तस्वीर में तुम फूल चढ़ा दोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और इसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। जाओ बेटी पूजा के लिए फूल ले आओ। कौन हो तुम? क्या मतलब? मैं हूं। मैं कौन? मैं शंकर। शंकर क्या हो गया तुम्हें? मैं शंकर हूं। शंकर शंकर शिला तुम मुझे पहचानते नहीं? मैं शंकर हूं। शंकर शंकर हां शंकर 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 मुझे बचाओ। शंकर मुझे बचाओ। सिंह रोज आने लगा है। सिंह रोज आने लगा है। बेवकूफ न बना। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो इतना नहीं समझती कि जो मर गया वो किस तरह उसकी आत्मा आती है। तुम यकीन क्यों नहीं करते शंकर उसकी आत्मा आती नहीं शिला नहीं। शंकर मैं सच कहती हूँ। शंकर मैं सच कहती हूँ। मैं सच क्या हुआ शिला? यहाँ क्यों आए हो? जी वो मेरी बच्ची को परेशान मत करो। चले जाओ यहाँ से। डाली शट अप यू फूल। हम रीटा समझ के तुमको फिर आया। गेट आउट। डार्लिंग हे डार्लिंग नॉनसेंस। अरे वाह तुम कितना अच्छा है डार्लिंग। खाली नॉनसेंस बोला। वो पहला वाला लड़की तो हमको बहुत गाली दिया। डार्लिंग तुम चारों से किधर होता? घर में आराम करता। तुम हमारे दिल में काहे को नहीं आएगा डार्लिंग? उधर तो बहुत आराम मिलता था तुमको। नहीं आएगा। ऐसा काहे को बात करता डार्लिंग? तुम हमसे नाराज है क्या? हाँ। अरे वाह डार्लिंग तुम जिंदगी में हमारा साथ नहीं देगा क्या? नहीं। अरे वाह डार्लिंग तुम हमारा लाइफ खराब करेगा? हाँ 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 डार्लिंग तुम कभी हाँ बोलता है कभी ना बोलता है। एक बात बोलो ये क्या कभी हाँ कभी ना? रिंग का माफक हमको गोल गोल फिराता है। बोलू? हाँ शट अप।
नहीं 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 दिल ले ले नहीं 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 गम देगी जान लेगी तेरी हाँ तेरी ना का जवाब नहीं ओए ताबा गम ले ले नहीं 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 गम दे दे नहीं 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 दिल लेगा दिल देगा तेरी हाँ तेरी ना का जवाब नहीं ओए ताबा दिल दे दे माफी मांग लूंगा शादी की बात भी कर लूंगा नहीं बाबा अभी तो अंकल पिता होगा अभी शादी का बात करेगा तो तुमको हॉस्पिटल भेज देगा हॉस्पिटल हाँ अब फिर तो मैं नहीं आता लेकिन दिन को आना अच्छी बात है ओके बाय बाय बाय
शीला, शीला, पानी, शीला, ये कैसे हो सकता है? शीला कहती है सिंह आता है। कहती है तो आता होगा, लेकिन ये अच्छा है कि यहाँ नहीं आता किराया वसूल करने। मगर वो तो मर चुका है, महीने हो गए उसे मरे हुए। मर चुका है तो क्या हुआ? जब जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता तो आने वाले को कौन रोक सकता है? प्रकाश, तुम इसे मजाक समझ रहे हो। शीला के माइंड पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। फिर तो ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। कौन है? आ, आ, मैन, आप इधर तुम किस लिए आया? अंकल, आप तुम किसको जैकपॉट चढ़ाना मांगते हैं? अंकल, हम तो उस दिन मिस्टेक हो गया अंकल। आई एम वेरी सॉरी अंकल। पाव पकड़ेगा? नहीं, गिर पड़ेगा। नहीं पकड़ेगा। मैन, छोड़ दो, तुम क्या करता है? बैठो। इधर कैसे बैठता है? उधर चेयर पर बैठो। डार्लिंग, गुड लक। हाँ, बैठो। हाँ, क्या पिएगा? हमारे पास परमिट नहीं है। अरे परमिट का बात नहीं, हम ठंडा गरम पूछता है। अच्छा ठीक है, तुम चाय पियो। रीटा, दो कप चाय मांगता है। यस अंकल। अच्छा वो तुम चाय का ऑर्डर किया, एक केक का ऑर्डर करता तकलीफ हो जाता। नहीं तकलीफ ना आएगा, हम तुमको केक भी खिलाएगा। रीटा, केक भी ले आना। अभी मंगाया है तो हमको खाने को ही पड़ेगा। अरे वाह अंकल, क्या बॉडी है, क्या मसल है। वेरी गुड, मालूम होता है असली घी वापरता है। क्या बोलेगा मन, इधर इस तो खाली काजू खाने को मिलता। अमेरिका में होता तो बॉक्सिंग लड़ता, ऐसा ब्लो मारेगा कि तुम सीधा कब्र में चला जाएगा। जरूर जाएगा, कहीं को नहीं जाएगा। अरे खींचो खींचो, चुरी पूछ जाएगा अंकल। वेरी गुड अंकल। रीटा का मदर किधर? वो गॉड के पास गया। ओ, उसका फादर? वो सब गॉड के पास गया, सिर्फ रीटा और हम रह गया। ओ, आप कभी जाएंगा? हैं? गलती गलती, मेरा मतलब है उसका फादर एंड मदर कभी मिलने के वास्ते आता है क्या? कैसे आएगा मैन, मरा हुआ लोग कभी आता है? काहे को मिलने के वास्ते नहीं आता है? वो अपने पेट्रोल पंप है ना, उसका बाजू में वो बुड्ढी रहता है ना, उसका भाई का छोकरा तो मर गया है लेकिन मिलने के वास्ते बराबर आता है। ऐसा मालूम होता है रिटर्न टिकट लेकर गया। पागल माफी, क्या तुम बोलता है? गॉड कभी रिटर्न टिकट देता है? काहे को नहीं देगा, जब रेलवे दे सकता है तो क्या गॉड नहीं दे सकता है? अंकल, जब हम मारेंगे ना तो सीजन टिकट लेके जाएंगे, डेली मिलने का वास्ते आएगा रीटा को। आपको भी मिलेगा? तुम हमको क्या मिलेगा, तुम्हारा बाप भी हमसे नहीं मिल सकता। तुम हमारे साथ मस्करी करता है, यू इडियट, गेट आउट। अंकल चाय तो पीने दो। नो, आई से चाय नहीं मांगता, यू गेट आउट। अंकल अंकल, आपका लड़की बोलता है तो पीने दो, खाली आधा कप पिएगा। तुम इस गधे को चाय पिलाना मांगता है, हम अभी इसको मजा चखाते हैं, यू इडियट। अंकल भागता किधर है? हैं? गधा कहीं का, गॉड रेलवे का मैनेजर है, सबको सीजन टिकट देता है, हमको बेवकूफ बनाने आया था। डार्लिंग, डार्लिंग। ओ यू इडियट, तुम अंकल से क्यों झगड़ा किया? अरे बोलो, अरे, क्या बोला तुमने? हम झगड़ा किधर किया, हम तो खाली तुम्हारा मम्मी डैडी के खैरियत पूछा। पर तुमको पूछने का क्या जरूरत था? तुम मरे हुए लोगों का टिकट चेक करने के लिए आया या शादी की बात करने के लिए? डार्लिंग, शादी का बात तो बाजू में रह गया, तुम्हारा अंकल उससे पहले ही गर्मी पकड़ गया, हम कुछ नहीं कर सका। डार्लिंग, तुम कुछ नहीं कर सका, जाओ जाके मर जाओ। अभी तुम बोलता है तो हम मर जाएंगे, लेकिन फिर भी हमसे पीछा नहीं छूटने वाला है। काहे को, हम सीजन टिकट लेके जाएंगे और डेली ट्रिप लगाएंगे, फिर तुम्हारा डबल अंकल को सिंगल बना देगा, लेकिन तुमसे रोमांस करेगा डार्लिंग। ओके, बाय बाय। सुनो। यस डार्लिंग। हम तुमको मारा, आई एम सॉरी बट आई लव यू। लो बेटी,
ये लो आरती उतारो। तुम्हारा संसार, तुम्हारा सब कुछ यही है, इसको मन से याद करो। देखा ये तेज हवा, ये हवा उसी के आने की खबर दे रही है। वो जरूर आएगा। जाओ बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ, वो जरूर आएगा। जाओ। औरत हूं, कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्यों आए हो? वो देख लेंगे तो क्या कहेंगे? मैं उनकी हूं, हमेशा के लिए उनकी हूं। चले जाओ यहां से, चले जाओ। मुझे मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे अकेले छोड़ दो। शीला, शीला, तुम वैसे भी अकेली हो, तुम डराई जा रही हो। तुम्हारी शादी नहीं हुई है। मैं कहता हूं तुम्हारी शादी नहीं हुई है। होश में आओ शीला, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुझे पहचानने की कोशिश करो। मैं शंकर हूं, शंकर, शंकर। हाँ शंकर, शंकर, तुम्हारा शंकर। हाँ शंकर, हाँ शंकर, शीला, शंकर। मुझे पता नहीं चलता। तुम यहाँ क्यों आए हो? जी वो मैं पूछती हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोरों की तरह किसी के घर में आने का तुम्हें क्या अधिकार है? जी देखिए, देखने सुनने की कोई जरूरत नहीं, तुम इस लड़की के कमरे में क्यों आए? आंटी देखिए, बात यह है कि ये बहुत ज्यादा डर गई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको डरना नहीं चाहिए। दूसरे के मामले में तुम दखल देने वाले कौन हो? तुम किराएदार हो, घर के मालिक नहीं। चले जाओ यहां से। सुना नहीं? शीला, शीला,
शीला, शीला, शीला, शीला, शीला, शीला, मुझे कोई नहीं डरा सकता, मुझे कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं। मैं कहती हूँ, चले जाओ। तलाश कर रही हूँ, चलो। नहीं 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 नहीं, जिद ना करो, वो तुम्हारा घर है, तुम्हें उसी घर में रहना है। चलो मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। शंकर 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 मुझे नहीं जाने दो, शंकर शंकर मुझे नहीं जाने दो। शंकर आंटी कह रही है शिला, तुम्हें वहां रहना होगा।
तुम इस लाइट हाउस के इंचार्ज हो? हाँ साहब। देखो मुझे कुछ इंक्वायरी करना है। यह है परमिशन। तुम्हें 22 जून की रात याद है? 22 जून? हाँ, जिस रात को बोट डूबी थी और उसमें मिस्टर सिंह मर गए थे। तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। अच्छा मुझे डिटेल्स में बताओ। 22 जून की रात बोट डूबी थी और 23 के शाम को लाश पानी के ऊपर आ गई थी। उसी दिन सिंह साहब की आंटी लाश पहचानने के लिए यहाँ आई थी। आंटी? जी हाँ, लाश वहाँ रखी हुई थी और उनकी आंटी बहुत रो रही। मुझे अकेला किसके सहारे छोड़ गए? तुझे अपनी आंटी पे जरा भी दया नहीं आई? वो बोट कहाँ डूबी थी? उस तरफ चट्टान से टकरा के डूबी थी। वो चट्टान यहाँ से नजर नहीं आती, लाइट हाउस के ऊपर से नजर आती। मुझे वहां ले चली। लेकिन सरकारी हुक्म के बिना मैं आपको लाइट हाउस के अंदर नहीं ले जा सकता। मुझ पे दया कीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भगवान के लिए मुझे वो जगह दिखाई दिखाइए ना। चलिए। देखिए सामने चट्टान जो दिखाई दे रही, बोट उसी से टकरा के डूबी थी। उस चट्टान से? खूनी चट्टान की प्यास पानी से नहीं बुझी तो मेरे बच्चे का खून पी गई, मेरी जिंदगी का सहारा छीन लिया। अब मुझे क्यों छोड़ दिया? बताओ मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? और उनके आंटी ने वहां से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। आंटी ने खुदकुशी कर ली? जी हाँ। फिर वो कौन? क्या हुआ साहब? हाँ? कुछ नहीं, थैंक्स। आर यू श्योर? यस सर, मैं इंक्वायरी कर चुका हूँ। आसपास के रहने वालों का बयान ये है कि ना उन्होंने सुंदर की लाश देखी है, ना सुंदर की लाश पर आंटी को रोते देखा और ना ही आंटी ने खुदकुशी की। तो लाइट हाउस कीपर ने पूरी कहानी झूठी बयान की। आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? मैं उसके साथ आंटी और माइकल की अरेस्ट कर जाता हूँ, बल्कि पूरी गैंग को। पूरी गैंग? यस सर, पूरी गैंग। रिकॉर्ड देखने से पता चलता है जिस रात को सुंदर की बोट डूबी है उस रात से एक बहुत बदनाम स्मगलर जग्गू भी गायब है। जग्गू पुलिस की नजर में था और पुलिस ने कई बार जग्गू को सुंदर के साथ देखा था। आज तक उसका कोई पता नहीं? जी नहीं। समझ में नहीं आता कि अगर वो एक पूरी गैंग है तो कहाँ है, उनकी एक्टिविटीज का पता क्यों नहीं चलता? बात यह है सर कि उनकी सारी एक्टिविटीज शीला की दौलत पर डिपेंड कर रही है। वो अपना राज छुपाने के लिए उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं मजबूर था सर, उन्हीं के बिछे हुए जाल में उन सबको फांसने के लिए भी रिस्क लेना पड़ा। लेकिन आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया। सर मेरा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी है। दस्तखत कर दो बेटी, तुम्हारे पति को दौलत नहीं चाहिए, उसकी आत्मा को शांति चाहिए। अपना सब कुछ चैरिटी में लिख दो। वैसे तो तुम अपनी सारी पूंजी दे चुकी हो, लेकिन जब तक ये जायदाद तुम्हारे पास है तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। सही कर दो, इस मायाजाल से तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये लो। तुम्हारी जान खतरे में है, मैं खुद तुम्हें यहाँ लाकर पछता रही हूँ। तुम पे जो ये जुल्म हो रहा है अब मैं नहीं देख सकती। सही कर दो बेटी, अगर जिंदगी है तो बहुत दौलत मिल जाएगी। सही कर दो। Thank you.
तुमसे नहीं डरती है। मैं तुमसे कभी नहीं डरूंगी। तुम मेरी दौलत के लिए मुझे डरा रहे थे। मैं तुम्हें एक एक पाई दे चुकी हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी मनुष्य को हराम कमीने बदमाश। तुझे बोटा बनने का शौक था ना, आज तेरा ये शौक पूरा किया देगी। कई लोगों को मार डाला, अब सिर्फ तुम दोनों मेरे राज को जानती हो। मैं तुम दोनों को कैसे जिंदा छोड़ सकता हूं? सुंदर, तेरी अंधी मोहब्बत और जलील प्यार ने मेरी ममता को भी मेरा अपराध बना दिया। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुझे इतने लाड़ प्यार से पाला था? तुम्हारे इसी लाड़ और प्यार ने मुझे बर्बाद कर दिया आंटी। बचपन से ही तुमने हमारी हर जिद इस तरह पूरी की कि मैं बिगड़ता चला गया। किसने कहा था कि तुम मुझे इस गलत लाड़ और प्यार के साथ पालो? तुमने जो कुछ किया उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। नहीं सुंदर, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो सुंदर, सुंदर, सुंदर।
सर, सुंदर तो मर गया था, ये जिंदा कैसे हो गया? पानी के जानवर का क्या भरोसा, उस पार नहीं जा सका तो फिर इस पार चला आया। उस पार नहीं जा सका? हाँ, असल में सुंदर ने अपने पार्टनर जग्गू को पार लगा दिया, खुद उस पार नहीं गया। समझ में नहीं आया सर। भाई सुंदर और जग्गू पार्टनर थे, सोने की स्मगलिंग करते थे, माल जग्गू का होता था, सुंदर उसे पार करता था, उसने सारा माल ही पार कर दिया। पैसे के लेन देन में दोनों का झगड़ा हुआ, सुंदर पैसा अदा नहीं कर सकता था, इसलिए तूफान का फायदा उठा के उसने जग्गू को खत्म कर दिया। ओह, आई सी। और बोट का रुख चट्टान की तरफ इसलिए मोड़ दिया कि लोग एक्सीडेंट समझे। दूसरा ये कि जग्गू की लाश अगर मिल भी जाए तो इतनी बिगड़ी हुई मिले कि पहचानी ना जा सके, और लोग ये समझें कि लाश खुद सुंदर की है। लेकिन वहां तो पुलिस को कोई लाश नहीं मिली। लाश कैसे मिलती? बोट टकराने के 2 मिनट पहले सुंदर पानी में जम कर चुका था, और पुलिस पार्टी पहुंचने के पहले ही उसने जग्गू की लाश पार कर दी थी। लेकिन उसने इतनी मुसीबत क्यों मोल ली? शीला से शादी करके वो जग्गू का सारा पैसा चुका सकता था। शीला की सारी जायदाद बेच कर भी पैसा अदा नहीं हो सकता था, इसी परेशानी में उसने जग्गू का मर्डर कर दिया। लेकिन वो शीला की दौलत को भी छोड़ना नहीं चाहता था, उसने आंटी को अपने फेवर में ले लिया, आंटी शीला को अपने साथ ले आई, और माइकल की मदद से उसने आत्मा का चक्कर चलाया। लेकिन उसने इतने वफादार न होकर माइकल को भी मार डाला? हाँ, वो एक एक करके उन सबको मार डालता जो उसका राज जानते थे। आंटी और शीला को भी वो सेम जग्गू वाले ट्रिक से मार ही चुका था, मगर प्रकाश ने उन्हें बचा लिया। उसके बाद वो लाइट हाउस कीपर को मारता, लेकिन बदनसीब से अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुका था, उसे चांस नहीं मिला। सुंदर ने प्लान बड़ी चालाकी से बनाया था, मगर उसे मालूम नहीं था कि हम पुलिस ऑफिसर हैं। बट सर, आंटी उसके फेवर में। ओह, आई एम सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है, आपको बाद में पता चल जाएगा। शीला, इस केस में तुमने मेरा हर तरह से साथ दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसने शुक्रिया का है का? मेरे कहने से तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी, यहाँ हर तरह का टॉर्चर बर्दाश्त करती रही। अगर तुम इतना दिन इस घर में नहीं ठहरती तो इस केस को सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता। जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे अब तक यकीन नहीं आता कि आंटी भी सिंह के जुर्म की साथी थी। वो सिंह के प्यार में दीवानी थी, सिंह का अंजाम देखकर उसके दिमाग पर इतना असर हुआ कि वो अपनी जिंदगी अब पागल खाने में गुजार दी। थोड़े दिन का छुट्टी मांगता है, हम अंकल का टिकट कटा के रीटा को साथ में लेके आएंगे। अच्छा, जल्दी आ जाना। थैंक यू। मुझे उम्मीद है इस केस में तुम्हें जरूर तरक्की मिलेगी। थैंक यू सर।